नगर निगम भिलाई की महापौर नीरज पाल ने स्वास्थ्य पेयजल एवं विभिन्न विकास कार्यों को लेकर वैशाली नगर के जोन अधिकारियों की बैठक ली। इसमें पूर्व में ली गई बैठक में दिए गए निर्देशों के बारे में समीक्षा की गई। जोन 2 वैशाली नगर में ली गई बैठक में महापौर ने अधिकारियों से कहा कि जनता को मिलने वाली सुविधाओं में किसी भी प्रकार की विलम्ब न करें, जनहित के कार्यों को प्राथमिकता से किया जाना चाहिए। इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी खुद कार्यों की मॉनिटरिंग कर समय सीमा में कार्य पूर्ण कराएं। वैशाली नगर जोन में स्वीकृति प्राप्त प्रगतिरत कार्य अप्रारंभ कार्य की समीक्षा बैठक ली गई, जिसमें जोन आयुक्त सहायक अभियंता एवं उप अभियंताओं से हर कार्य को लेकर महापौर श्री पाल ने सीधे सवाल करते हुए निर्माण कार्य की स्थिति की जानकारी मांगी। मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा किए गए व शासन के महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित सभी कार्यों को गुणवत्ता पूरे कार्य कराने के निर्देश दिए। भिलाई निगम क्षेत्र में विकास कार्यों की स्थिति पर भी चर्चा की गई, जिसमें उन्होंने लक्ष्य लेकर कार्य करने कहा। जोन 2 क्षेत्र में चल रहे प्रमुख कार्यों पर उन्होंने विस्तार से चर्चा की। इसकी जानकारी नगर पालिक निगम भिलाई के जनसंपर्क अधिकारी PC सारवा ने ग्रैंड एशियन न्यूज टीम को दी है। देखिए, वैशाली नगर जोन क्षेत्र की जो बैठक है वो माननीय महापौर जी ने दूसरी बार अभी ली है। एक्चुअल में इससे पहले बैठकें हो चुकी थी और उस बैठक में जो निर्देश दिए गए थे उसकी रिव्यू बैठक अभी थी। जो जितने भी निर्देश दिए गए थे उसके पालन में क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है उसको लेकर जो है समीक्षा की गई थी माननीय महापौर जी के द्वारा। इसमें जो जोन के अधिकारी हैं उनके जो अभियंता है वो सभी उपस्थित थे। अभी जो प्रथम प्रायोरिटी है वो पेयजल को लेकर और स्वास्थ्य और सफाई को लेकर के है, उसकी समीक्षा भी उन्होंने की है। और जो विकास कार्य हैं, जो लंबित विकास कार्य हैं, जो काफ़ी दिन से अकारण लटके हुए हैं, उन पर लेके उन्होंने थोड़े से नाराजगी भी जाहिर की है कि इस टाइप का कारण जो लटके हुए पेंडिंग काम है उनको आप शीघ्रता से लेके करें। जो जनता को हित के प्रायोरिटी वाले काम हैं उनको त्वरित निराकरण उसका करें, इस प्रकार के बैठक में उन्होंने निर्देश दिए हैं। अधिकारियों से सभी कार्यों की अद्यतन जानकारी महापौर ने मांगी। उन्होंने स्कूल, शौचालय, आंगनबाड़ी जैसी जन सुविधाएं वाले कार्यों को तय सीमा में पूर्ण करने के निर्देश भी दिए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।